करंट अफेयर्स की वार्षिक श्रृंखला के एक और महत्वपूर्ण एपिसोड के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। हम लोग यह वार्षिक श्रृंखला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स की आपके चयन में एक महती भूमिका है, अनिवार्य भूमिका है, प्रमुख भूमिका है, आपके करंट के प्रश्न गलत ना हो। बहुत संक्षेप में बहुत जरूरी जानकारियों के साथ ये एपिसोड आपको प्रेषित किए जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है और निश्चित रूप से उतना ही बताया जा रहा है जितना आपको पढ़ना है। आने वाले समय में आपके देश और प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित होनी है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का सेगमेंट क्या है और इस एपिसोड में क्या है आपके लिए। आज हम लोगों ने भारत सरकार द्वारा जारी सूचकांक और रिपोर्टों को लिया है, जैसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, बाघ गणना रिपोर्ट है, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2020 है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इन सभी को लिया गया है। और इसके अलावा भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं 2026 तक के 27 तक के जो आपके बजट में घोषित किए गए हैं, प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं जो आई हैं वो कहां से संबंधित हैं, नवीनतम पंजीकृत जीआई उत्पाद जो आपके दिए जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो आपके होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है ये है, और 2020-21 में प्रकाशित होने वाली प्रमुख पुस्तकें, तो भारत सरकार के सभी इंडेक्स हैं, सभी रिपोर्ट्स हैं, जीआई टैक्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं और पुस्तकें, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण एपिसोड आपका होने वाला है जिसमें संक्षेप में हम लोग इन विषय बिंदुओं की चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा जब वीडियो शुरू हो रहा था तो आपने कुछ स्लाइड्स देखे, उन स्लाइड्स में अप्रैल माह में आने वाले बैचेज की जानकारी थी। संस्था में अप्रैल माह में 6 अप्रैल से आरओ यारो का बैच है, 13 से यूपी टेट का बैच है, 20 तारीख से पीईटी का फाउंडेशन है और 25 तारीख से इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग का बैच है। आप सभी लोग यदि इन बैचेज में शामिल होना चाहते हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा अवसर लेके आ रहा है। आप हमेशा इन कोर्सेज की रिक्वायरी करते थे इसलिए पहले ही हमने तारीखें आपको निश्चित कर दी ताकि आप लोग निश्चिंत रहे कि संस्था ये बैच आप लोगों के लिए लेके आ रही है। वर्तमान समय में हम लोग देखें तो संस्था में टीजीटी पीजीटी का बैच है, यूपीएसआई का एकलव्य बैच है और सुपर टेट का बैच है, रनिंग बैच है। अगर आपको इन बैचेज में प्रवेश लेना है तो यह आपके लिए सबसे सही समय है प्रवेश का, क्योंकि संस्था ने आपने देखा होगा इन सभी बैचेज के लिए होली उत्सव आपका मतलब घोषित कर दिया है और होली उत्सव में आप जो सहयोग शुल्क हमें देते हैं उसमें आप लोगों को छूट दी गई है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हम में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा में तो शामिल होते हैं लेकिन किसी कारणवश या आर्थिक कारणवश वो शामिल नहीं हो पाते, इसलिए यह जो आपका ऑफर है या यह जो आपकी जो है छूट दी गई है, डिस्काउंट जो दिया गया है, यह वर्ष में एक या दो बार इसलिए दिया जाता है कि उन सबको भी समाज की मुख्यधारा में, शिक्षा की मुख्यधारा में हम शामिल कर सकें। तो एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण है। बहुत सारे फोन कॉल्स ऐसे आते हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है लेकिन वो शामिल होना चाहते हैं, तो इन 7-8 दिनों में सब कुछ भूलकर हम उन सभी लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करें, इसमें संस्था में आपका भी सहयोग अनिवार्य है, इसीलिए इस प्रकार के उत्सव और इस प्रकार की छूट दी जाती है। तो इसको आप लोग सकारात्मक रूप से लेकर संस्था का साथ दें, इस नैतिक कार्य में संस्था का साथ दें, संस्था के मनोबल को आगे बढ़ाएं। आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड को। शुरुआत करते हैं, हम बात करते हैं वन रिपोर्ट पर। 16वीं वन रिपोर्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल के बाद वन रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी और यह 16वीं वन रिपोर्ट है। 16वीं वन रिपोर्ट के जो प्रमुख आंकड़े हैं उनको आप लोग विधिवत रूप से आइए अध्ययन करें। देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा 30 दिसंबर को भारत वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जो कि 16वीं क्रम में है जारी की गई। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण एफसीआई द्वारा तैयार की जाती है। एफसीआई प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। अब जो प्रमुख आंकड़े इस बार दिए गए उन पर बात करते हैं। देश में वन एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, 3 तरीके से आपसे आंकड़े पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है वनावरण, फिर आपसे पूछा जाता है वृक्षावरण, और वनावरण वृक्षावरण को जब आप दोनों को शामिल कर देते हैं तो यहां से निकलता है कुल वन क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्रफल, या इसको आप कहते हैं वन आच्छादित क्षेत्र। अब आप तीनों को समझने की कोशिश करिएगा। और एक और बात है, झाड़ियां जो होती हैं, झाड़ियां कुल वन आच्छादित क्षेत्रफल या क्षेत्र में शामिल नहीं होती। जैसे गणना तीनों की जाती है, वनावरण की भी की जाती है, वृक्षावरण की भी जाती है और झाड़ियों की भी की जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन
कुल वन क्षेत्रफल के आंकड़ों में शामिल नहीं होता है, तो वृक्षावरण और वनावरण तो शामिल होता है परंतु झाड़ियां इसमें शामिल नहीं होती। आंकड़ों को अगर हम लोग देखें तो देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल है अगर हम देखें तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। इसी को अगर हम प्रतिशत में देखें तो 24.56% है। यह प्रतिशत किससे आप कहेंगे, यह कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है उस कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है बताओ, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। अब देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो बनावरण क्षेत्र है ये अलग पूछा जाता है, तो बनावरण क्षेत्र जो है वो 21.67% है जो मैंने आपको बताया, और जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र है वो 2.89% है। अगर हम इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा बताइए, कुल वन क्षेत्र बन जाएगा। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि बनावरण और वृक्षावरण तो कुल वन क्षेत्र में शामिल होता है, गणना झाड़ियों की भी साथ में होती है, लेकिन झाड़ियां जो है वो कुल वन क्षेत्र में शामिल नहीं होती। अगर हम 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि देखें तो वर्ग किलोमीटर में अगर हम देखें तो 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है, और प्रतिशत में अगर हम लोग देखें तो 0.65% की वृद्धि है आपकी, है ना। ये सभी आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको इन आंकड़ों को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, बनावरण में वृद्धि अगर हम लोग देखें, जैसे अलग अलग भी पूछा जाता है, तो आपने कुल वन क्षेत्र में वृद्धि अभी देखी। अब देखिए बनावरण में वृद्धि जो है वो वर्ग किलोमीटर में कितनी है, 3,976 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षावरण में कुल वृद्धि कितनी है, 1,212 वर्ग किलोमीटर है। देश में कुल मैंग्रोव वन में जो वृद्धि, देश में कुल मैंग्रोव वन जो है वो 4,975 वर्ग किलोमीटर है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में अगर हम लोग देखें तो मैंग्रोव वन में जो कुल वृद्धि है वो 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि कुल मैंग्रोव वन में हुई है। आगे देखते हैं, अब देखिए यह आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग देखें राज्य में कि देश में जो राज्य उनमें सर्वाधिक वन कहां पे है ना, तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल वाला आपका राज्य है वो मध्य प्रदेश है पहले नंबर पर, उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। अगर हम लोग सबसे न्यूनतम देखें तो हरियाणा में सबसे न्यूनतम है, उसके बाद पंजाब है, और उसके बाद गोवा है। दो अलग अलग विषय होते हैं, सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य है तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक है, और न्यूनतम कौन सा है, हरियाणा है। जरूर आपको याद रखना है, एक एक जरूर याद रखिए, अगर तीन तीन का क्रम याद हो जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि कभी कभी सिक्वेंस भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगले बिंदु को अगर हम लोग यहां पर देखें तो दूसरा आपसे कहा गया है वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। देखिए अब यहां पर आपको समझने की कोशिश करनी है कि कुल क्षेत्रफल और वृद्धि दो अलग अलग विषय बिंदु हैं। कुल क्षेत्रफल और वृद्धि दो अलग अलग विषय बिंदु हैं, कैसे समझ लीजिए। मान लीजिए कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, वृद्धि का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो यहां पर 100 पेड़ थे और इन दो वर्षों में यहां पर 120 पेड़ हो गए, क्लियर। यहां पर अगर हम कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यहां पर 140 पेड़ थे और यहां पर 141 पेड़ हो गए, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर ये एक्स है, ये वाई है, और ये ए है और ये बी है, अगर ये एक्स और वाई क्षेत्रफल का आंकड़ा है तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग ये देख लेते हैं कि देखिए 140 थे तो पहले ही वो 100 से अधिक थे, तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो होगा वो ये होगा। लेकिन इन क्रमिक दो सालों में जो वृद्धि हुई उस वृद्धि के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उस वृद्धि के हिसाब से आपका चूंकि यहां पर 20 पेड़ों की वृद्धि हुई है तो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य ये हो जाएगा कि इस राज्य ने 100 से 120 कर दिए, तो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य जो है वो कौन सा है बताइए, कर्नाटक है, इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश है, और इसके बाद बताइए कौन है, बताइए केरल है। तो ये अंतर समझने की कोशिश करिए कि वन क्षेत्रफल का डाटा जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है और वृद्धि का जो डाटा है वो बिल्कुल अलग है, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए
कि सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि का मतलब होता है कि दो साल पहले से लेकर दो साल बाद तक की जो वृद्धि है उसमें सबसे ज्यादा वन कहां लगाए गए, सबसे ज्यादा पेड़ कहां लगाए गए, वो वृद्धि में होगा। और क्षेत्रफल का मतलब है कि विस्तृत क्षेत्रफल जो 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 आपका वन आच्छादित क्षेत्र है वो कहां पर है, तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहां का है, मध्य प्रदेश का। लेकिन वृद्धि वाला जो शीर्ष राज्य है वो कौन सा है, कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, और फिर कौन सा है बताइए, केरल है। अब अगर हम प्रतिशतता के आधार पर बात करें यहां पर, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशतता वाला जो राज्य है वो मिजोरम है, है ना, वो मिजोरम है। और मिजोरम कितना है, 85.41%। दूसरा अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा मेघालय है। अगर हम संघीय क्षेत्र की बात करें उस समय के हिसाब से जिस समय ये रिपोर्ट आपकी आई है, तो जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा संघीय राज्य है, अंडमान निकोबार और लद्दाख। चूंकि ये मैं इसलिए संघीय राज्य कह रहा हूं कि उस समय की स्थिति है जब यह रिपोर्ट प्रकाशित आपकी की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश का भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के जिले की अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा है बताइए, सोनभद्र, जरूर याद रखिएगा। और न्यूनतम जन क्षेत्रफल जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो संत रविदास नगर है, इसी को आप भदोही भी कहते हैं, है ना, भदोही या संत रविदास नगर। तो सर्वाधिक में अगर तीन याद रखें तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में, फिर लखीमपुर खीरी में और फिर मिर्जापुर में। सबसे कम की बात करें तो संत रविदास नगर में, उसके बाद मऊ में और फिर मैनपुरी में, ये सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आपसे मैंग्रोव वन क्षेत्रफल पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो आपका है वो पश्चिम बंगाल है। इसका कारण भी है, देखिए पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि मेघना और पद्मा दो नदियां बहती हैं। मेघना और पद्मा नदियों के बीच एक पर्यावरणीय घटना होती है जिसको आप कहते हैं अवसाद का जमाव। ये प्रश्न आपसे पर्यावरण में कई बार जीएस में पूछा गया है ना। मेघना और पद्मा जो दो नदियां हैं, मेघना और पद्मा नदियों के बीच अवसाद के जमाव के कारण, है ना, यहां पर एक डेल्टा बनता है जिसको आप कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन जो डेल्टा है यहां पर मैंग्रोव वन क्षेत्र की अधिकता है, और सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन क्षेत्रफल वाला जो क्षेत्र है वो सुंदरवन डेल्टा है। यहां पर सुंदरी के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, सुंदरी के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस पर्यावरणीय घटना से हुआ है, तो अवसाद के जमाव के कारण सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है पद्मा और मेघना नदियों के बीच में, और सुंदरी के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो आप देखिए ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन आच्छादित वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, इसके बाद फिर गुजरात है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। आपसे आर्द्रभूमि भी पूछा जाता है, तो भारत में 62,466 आर्द्रभूमि देश के 3.83 क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्रभूमि है। तो आपको मैंग्रोव वन क्षेत्र के लिए ध्यान रखना है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, और यहां पर गुजरात दूसरे नंबर पर है। और सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक आर्द्रभूमि आपकी कहां पर है बताइए, गुजरात में है। यह आंकड़े भी आपको यहां पर याद रखने हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पे भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। इसके आंकड़े को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाघ रिपोर्ट, बाघ गणना रिपोर्ट 2020। देखिए बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा। 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो 29 जुलाई को क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है इस आंकड़े में, 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय 2010 में हुआ था, तब से प्रत्येक वर्ष से मनाया जाता है। अब बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर मतलब 28 जुलाई 2020 को रिपोर्ट आपकी आई है, 28 जुलाई 2020 को, ये कौन सी रिपोर्ट है, 2018 की आपकी बाघ गणना रिपोर्ट जारी की गई। भारत में बाघों की कुल संख्या 2,967 है। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में लगभग 33% की वृद्धि हुई है। अब आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में लगभग 3,900 बाघ है, 3,900 बाघ है, जिसका 70% केवल भारत में ही निवास करता है, है ना। तो 70% बाघ भारत में निवास करते हैं,
भारत शेर, चीता, तेंदुओं और बाघों का देश है, है ना, मजबूत देश है, और आप भी शेरों से कम नहीं है मेरे शेर। आइए, तो अब यहां पर 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। इसके आंकड़े थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हम लोग बाघों की संख्या देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक बहुत दूर नहीं है, 524 ही है, दो ही दूर है, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, उत्तराखंड में 442 है, तीसरा स्थान है, और महाराष्ट्र में 312 है, चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या एक बार आपसे पूछी गई है तो बाघ रिपोर्ट के अनुसार 173 कुल संख्या है। बिहार में अगर हम लोग देखें तो केवल 31 है, और सुंदरबन, जिसकी अभी हम लोग बात किए थे कि सुंदरबन वहां पर पश्चिम बंगाल में, यहां पर 88 बाघ आपके पाए जाते हैं, तो यह आपको याद रखना है। बाघ की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग तेंदुआ रिपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, यह भी अभी हाल ही में आई है। तो भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2020 पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा 21 दिसंबर 2020 को भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 जारी कर दी गई। तेंदुओं की जो कुल संख्या है वो 12,852 है। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा कि आप तेंदुओं और बाघों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना, ये कितनी है, 12,852 है। 2014 से 2018 के बीच तेंदुओं की संख्या में जो 60% से अधिक की वृद्धि हुई है, बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि है, और तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। अलग अलग आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर भी मध्य प्रदेश सबसे पहले है, बाघों की संख्या में भी पहले और तेंदुओं की संख्या में पहले है, 3,421। देखिए लॉजिकल उसमें कनेक्टिविटी बनाइए, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। अगर वन ज्यादा होंगे तो जीव जंतु ज्यादा होंगे, तो वन ज्यादा जहां पर होंगे वहीं पर शेर भी ज्यादा होंगे, वहीं पर बाघ भी ज्यादा होंगे, वहीं पर तेंदुए भी ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा बाघ और तेंदुए कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। बाघ कितने हैं, 526, और तेंदुए कितने हैं, 3,421 सबसे ज्यादा है। उसके बाद कर्नाटक में 1,783 है, उसके बाद महाराष्ट्र में 1,690 तीसरा स्थान, तमिलनाडु में 868 है, और उत्तर प्रदेश में 316 है। उत्तर प्रदेश में क्या है, 316 है। यह आपकी तेंदुओं की संख्या है, तेंदुओं की संख्या को भी आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचकांक एवं रिपोर्ट जो जारी किए गए हैं, बहुत सारे संगठनों द्वारा जो जारी किए गए, जो आपके पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, उन सब पे अब हम लोग महत्वपूर्ण बातें करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय सूचकांक एवं रिपोर्ट में हम लोग लेते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। आपको यह भी याद रखना है कि जारी करती करता संस्था आपकी कौन सी है, नीति आयोग द्वारा यह जारी है, है ना, और प्रथम स्थान है कर्नाटक का, द्वितीय स्थान है तमिलनाडु का, और अंतिम स्थान है बिहार का। उत्तर प्रदेश का स्थान जरूर याद रखना है, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 9वां है, उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है। केंद्र शासित प्रदेशों में और छोटे राज्यों में अगर प्रथम स्थान को देखा जाए तो दिल्ली का है, और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव में प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश का है। दरअसल इतना डिस्कशन इसलिए भी है क्योंकि जब ये रिपोर्ट आई, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जब आया, तो उसमें राज्यों की तीन श्रेणियों में यह रिपोर्ट आपकी जारी की गई। तो पहला था बड़े राज्य की श्रेणी, है ना, आप ऐसे याद रखेंगे। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में जो पहला स्थान था वो किसका था, कर्नाटक था। दूसरा था केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में, तो केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जो पहला स्थान था वो किसका था, दिल्ली में था। और तीसरा जो था वो था आपका पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी, तो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव उसमें प्रथम स्थान था हिमाचल प्रदेश का, है ना। तो तीन अलग अलग श्रेणियों में आया था, तो आपसे अगर अलग अलग श्रेणियों में आपसे पूछा जाए तो उसी तरीके से आपको उत्तर देना है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में आपका दिल्ली, और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में आपका हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान यहां से कौन सा था, 9वां था। आइए साक्षरता पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान साक्षरता में केरल का है, है ना, और अंतिम स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का है। यह ध्यान रखना है, जो आंकड़ा की रिपोर्ट उन्होंने जारी अभी की है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2020, सबसे स्वच्छ शहर फिर से इंदौर है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह जारी है। सबसे स्वच्छ राजधानी आपकी भोपाल है, यही दोनों आपसे पूछे जाते हैं, याद रखना है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग 2020, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यह जारी है। इसमें प्रथम स्थान है आपका आंध्र प्रदेश का।
दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, अंतिम स्थान है आपका त्रिपुरा का। ये तीनों ही स्थान आपको यहां पे याद रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 टाटा ट्रस्ट द्वारा इसको जारी किया जाता है, टाटा ट्रस्ट द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम राज्य जो है आपका महाराष्ट्र है और अंतिम राज्य आपका त्रिपुरा है, इसको भी आपको याद रखना है। स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग 2020 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम स्थान इसमें गुजरात का है और दूसरा स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। आइए और रिपोर्ट की बात करते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क मानव संसाधन विकास मंत्रालय जब था उसके द्वारा वर्ष 2015 में इसको अनुमोदित किया गया था। प्रथम स्थान इन्होंने दिया है IIT मद्रास को सभी श्रेणियों में, सभी श्रेणियों में IIT मद्रास को, और दूसरा स्थान इन्होंने दिया है IIM अहमदाबाद को प्रबंधन की श्रेणी में, ठीक है ना, समग्र श्रेणी में और प्रबंधन की श्रेणी में। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 मुंबई में स्थित थिंक टैंक प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा दिसंबर 2020 में जारी और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है, इसलिए रिपोर्ट आपके लिए जरूरी है। प्रथम स्थान इसमें है उड़ीसा का और द्वितीय स्थान इसमें, अंतिम स्थान इसमें है मणिपुर का। प्रथम स्थान उड़ीसा का और अंतिम स्थान मणिपुर का, बेटा याद रखिएगा। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य इसको भी देख लीजिए। देखिए सभी गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का जो लक्ष्य है वो 2022 तक लिया गया है। हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी 2022 का है, अगले वर्ष का है। GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य भी 2022 का है, याद रखना है, पूछा जाता है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 का है। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य भी 2022 का है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य भी 2022 का है। तो 2022 के वर्ष को आपको इतने लक्ष्यों के रूप में याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य 2024 का लिया है भारत सरकार ने। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है वो 2024 तक है, सबको रेडियो की पहुंच तक पहुंचाना है ना। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक का लिया गया है बेटा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो भी 2025 का लिया गया है। भारत को टीबी मुक्त करने का जो, टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य है वो भी 2025 का है। बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने के लक्ष्य को भी 2025 तक पूरा करना है, इस बजट में भी घोषणा है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग को समाप्त करने का पूरी तरह से लक्ष्य लिया गया है, वो भी 2025 का लिया गया है, 2025 तक इसको पूरा करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य खंड साक्षात्कारी में भी पूछा गया था, 2025 का है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक का है। अभी मैंने आपको स्क्रैप व्हील जो आपको पॉलिसी पढ़ाई थी वो भी इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा पिछले उसमें। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो भी 2030 का है। तो यह भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्य है। आगे बात करते हैं प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं। चलिए चक्रवाती तूफान जो निवार है वो कहां पे आया बताइए, भारत में। चक्रवाती तूफान जो गति है वो इससे सोमालिया प्रभावित रहा सर। तूफान जो बामको है फिलीपींस प्रभावित रहा। तूफान एटा मध्य अमेरिका से संबंधित है। सुपर टाइफून गोनी फिलीपींस से संबंधित है। चक्रवात निसर्ग भारत से संबंधित है। चक्रवात अम्फान भारत से संबंधित है। तूफान लारा अमेरिका से संबंधित है। ये प्रमुख प्राकृतिक आपदा है जिनको आपको याद रखना है। बाकी कोविड के लिए तो एक अलग से एपिसोड होगा, उसमें ये नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखें पाबुक थाईलैंड की खाड़ी, वायु गुजरात, हेगीबीस ये जापान से संबंधित है, उस्मान मनीला फिलीपींस से संबंधित है, डेरियन जो है वो उत्तरी बहामास अमेरिका से संबंधित है, बुलबुल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इससे प्रभावित रहे, फोनी या फैनी उड़ीसा प्रभावित रहा, फैक्सई जो है इससे जापान प्रभावित रहा। आगे बढ़ते हैं नवीनतम पंजीकृत GI उत्पाद। तो पहले तो भाई ये देख लीजिए कि GI का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं। GI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन।
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये कई बार मतलब आपसे पूछा जाता है। तो जीआई टैग है क्या? देखिए, यह एक भौगोलिक संकेत टैग किसको दिया जाता है, जैसे किसी विशेष क्षेत्र को, राज्य को, या देश के उत्पाद को, या निर्माता को, या व्यवसायियों के समूह को जो अच्छी गुणवत्ता के कृषि औद्योगिक प्राकृतिक वस्तुओं को बनाते हैं, है ना, जिनकी एक विशेष पहचान होती है, उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अलग से दे दिया जाता है, जीआई टैग अलग से दे दिया जाता है। तो कुछ जीआई टैग जो करंट के आपके लिए जरूरी है उनकी चर्चा अब हम लोग यहां पर कर रहे हैं। जैसे तेजपुर लीची, तो आपसे पूछा जाता है ये किस वर्ग में है, तो एक कृषि उत्पाद के वर्ग में है, और इससे संबंधित राज्य कौन सा है बताइए, असम है। दल्ले खुरसानी, यह भी कृषि उत्पाद है, और इससे संबंधित क्षेत्र जो है वो सिक्किम है। खाजे, ये खाद्य पदार्थ है, और इससे जो संबंधित क्षेत्र है वो गोवा है। हरमाल मिर्च कृषि उत्पाद है, इससे संबंधित क्षेत्र जो है वो भी गोवा है, आपको मिलान करने के लिए भी आता है। मोइरा केला, ये अलग केला है, कृषि उत्पाद है, और इससे संबंधित क्षेत्र जो है वो गोवा है, ये तीनों गोवा से संबंधित है बेटा, याद रखिएगा। सोहराई खोवार पेंटिंग, मैं इसको आपको पढ़ा चुका हूं एपिसोड में, ये हस्तशिल्प से संबंधित है और ये झारखंड से संबंधित है। तेलिया रुमाल, ये भी हस्तशिल्प से संबंधित है और ये तेलंगाना से संबंधित है, इनको एक साथ अभी दिया गया था, ये तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। आइए, अरुम बबूर वुड कार्विंग, यह हस्तशिल्प से संबंधित है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। तंजावुर पिथवर्क्स हस्तशिल्प से संबंधित है, यह भी तमिलनाडु से संबंधित है। कश्मीरी केसर, ये तो कृषि उत्पाद है, आप सभी लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। गोरखपुर का टेराकोटा, यह हस्तशिल्प से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चाखाओ, ये चावल है, काले कलर का गीला सा चावल होता है, ये कृषि उत्पाद है, ये मणिपुर से संबंधित है। कोबिल पट्टी करलई मिठाई, मिठाई है, आप जान रहे हैं, खाद्य पदार्थ है, तमिलनाडु से संबंधित है। और असम का चेकुआ धान, चोकुआ जो धान होता है, ये कृषि उत्पाद है और असम से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। काजी नेमू, ये भी कृषि उत्पाद है और ये असम से संबंधित है। श्री विली पुत्तूर पालकोवा, ये खाद्य पदार्थ है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। कड़ंगी साड़ी हस्तशिल्प से संबंधित है, तमिलनाडु। और डिंडीगुल ताले विनिर्मित है और ये भी तमिलनाडु से संबंधित है, ये तीनों तमिलनाडु से संबंधित है। जीआई टैग मिलान करने के लिए जीआई टैग से एक प्रश्न आप लोगों से जरूर पूछा जाता है, इसको भी हम लोगों को ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में। अब प्रमुख पुस्तकें हैं इस वर्ष की, तो देखिए मैं पुस्तकों के नाम नहीं पढ़ूंगा, आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट को ले लें, आपको नीचे जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है आप उसको ज्वाइन कर लें, और उन टेलीग्राम लिंक्स में आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे। मोदी इंडिया कालिंग, चांदमल कुमावत की किताब है। एक किताब आपसे हमेशा पूछी जाती है, एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स एग्जाम पे लिखी गई किताब है श्री नरेंद्र मोदी जी की, आपके प्रधानमंत्री की जी, उसको याद रखिएगा, ठीक है। एक किताब आपसे पूछी जाती है डार्क हॉर्स, नीलोत्पल मृणाल जी की किताब है, इसको आप याद रखिएगा। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पर जो है आपकी जो है मूवी भी बन चुकी है, अनुपम खेर जिससे अभिनीत मूवी थी, मनमोहन सिंह पर लिखी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो घुमा फिरा के आपसे पूछी जाती है ना, सब कई इसमें वर्णन है, ठीक है। धर्मा अमिश त्रिपाठी जी की किताब है। सग्गी बैन, ये आप मैंने कल आपको बताया था पुरस्कारों में, डगलस स्टुअर्ट किया जो है इसको ये पुरस्कार है। यह एक युवक की कहानी है, ग्लास्को की एक युवक की कहानी है, उसके संघर्षों की कहानी है 80 के दशक की, और इनको बुकर पुरस्कार मिला है, मैंने आपको यह भी बताया था। आई एम नो मसीह, सोनू सूद मीना के अय्यर की किताब है। ए प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा की किताब है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण किताबों के नाम मैंने यहां पर लिखे हैं। मेले बुझे को गांधी, विद्या देवी भंडारी जी की किताब है। ओह मिजोरम, डॉक्टर पी एस श्रीधरन जी की किताब है। हाल ऑफ स्मोक, एच एम लॉक की किताब है। द मास्क फॉलिंग, समंथा सेनन की किताब है। गेजिंग ईस्ट वार्ड्स, रोमिला थापर जी की किताब है। वाहन मास्टर क्लास, एल्फ्रेडो कोविल्ली की किताब है। इन प्रस्यूट ऑफ जस्टिस, राजेंद्र सच्चर जी की किताब है। बेसिकली यह एक कलेक्शन है जो मैं आपको एक ही जगह दे रहा हूं, ताकि आपको ना तो किसी मैगजीन की जरूरत पड़े, और ये फैक्चुअल कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो आपको कैरी करनी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यहां पर किताब आपको आराम से पुष्ट मिल जाएगा। अटल तो अटल है, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर जी की किताब है।
आज चकट विलियंस द मेनी जयराम रमेश जी की किताब है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम एस वाई कुरैशी जी की किताब है। ठीक है, तो ये किताबें कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने इतनी ही बात की, अगले एपिसोड के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। यह लगभग 16 से 17 एपिसोड की एक श्रृंखला है जिसके कुछ एपिसोड आप सभी लोगों को लोग पब्लिक भी किए जाते हैं, जिससे आप सभी लोग भी जाने कि कैसे आपको पढ़ना है या कितने फैक्ट्स का कलेक्शन आपको इकट्ठा करना है। आने वाली परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे भी करंट के वीडियो हैं जो विस्तृत होंगे, जैसे आप लोक सेवा आयोग में जब पीसीएस की परीक्षा देंगे तो वहां पे आपको फैक्चुअल करंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वहां पे आपको विस्तृत करंट पढ़ने की जरूरत होती है जो व्याख्यात्मक होता है, क्योंकि वहां के प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होती है वो इससे अलग होती है। अगर आप जूनियर की परीक्षा दे रहे हैं, लोअर पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएसआई की परीक्षा दे रहे हैं, सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हैं, लेखपाल या पीईटी की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको इसी प्रकार का करंट पढ़ने की जरूरत है। विद्यार्थी जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें यह हमेशा बोध होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। मान लीजिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत कठिन करंट में आपको पढ़ाऊं तो वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि एक भी चीज अगर हम में से आपने देखा होगा कि बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं कि इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, करंट असीमित है। अगर हम ये जान जाए कि हमें परीक्षा के लिए केवल कितना पढ़ना है तो शायद हम चैन के ज्यादा पास हो जाते हैं, क्योंकि इतना करंट आपके काम का नहीं है। जिसके काम का है वो पढ़ेगा, बहुत व्याख्या भी आपके काम की नहीं है, क्योंकि जिन परीक्षाओं को आप दे रहे हैं उन परीक्षाओं से के हिसाब से आपके काम के कलेक्शंस हैं, उन कलेक्शंस को आपको पढ़ना है। इस समय मैं देख रहा हूं कि करंट पढ़ने का एक ट्रेंड ऐसे चल गया है कि आप अनावश्यक करंट को बहुत पढ़ के अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आप इन श्रृंखलाओं पर फोकस करिए। जो बैच के बच्चे हैं उनको जितने वन लाइनर और जितने नोट्स भेजे गए हैं, जैसे जूनियर बैच में जो सदस्य पढ़ रहे हैं उनको पूरे यूपी का वन लाइनर नोट्स भेजा गया है ना, यूपी के अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नोट्स भेजा गया है और हर सेगमेंट की अलग अलग फाइल भेजी गई है। उतना ही करंट अगर आप फोकस करें तो जिस दिन आप सुपर टेट जूनियर यूपीएसआई और यूपीटी और यूपी ट्रिपल एससी के पेपर देके जब आएंगे, जैसे लोअर पीसीएस है, आरओ आरओ है, आप देख लीजिएगा एक भी पृष्ठ आपका बाहर नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, पीसीएस वालों के लिए करंट को अलग से पढ़ने की जरूरत होगी, उसके लिए व्याख्यात्मक करंट की श्रृंखला अलग से चलाऊंगा जो पीसीएस की। तो आप सभी लोग इससे लाभान्वित हो। यह एपिसोड कैसा लगा? जरूर है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सीमित पढ़िएगा, बस इस सुझाव को अपने पास रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।